कश्मीर में भारतीय जुल्म अपनी तमाम तर हश्र सामानियों के साथ जारी है। आलम ये है कि मसाजिद पर ताले हैं, कारोबार तबाह कर दिए गए हैं, हर किस्म की मजहबी, समाजी और सियासी आजादियां छीन ली गई हैं, लोगों को कत्ल और पाबंदे सलासिल करने के वाकयात कई गुना बढ़ गए हैं और भारतीय हुकूमत टस से मस होने को तैयार नहीं, क्योंकि इसके आसाब पर इस्लामोफोबिया सवार है। फ्रांस के एक बदनामे जमाना हफ्त रोजा शार्ली हेब्डो ने नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले की जो नापाक जसारत की और फ्रांसीसी सदर मैक्रों ने उसका जो भोंडा जवाज घड़ा, इस पर दुनिया भर के 2.25 अरब मुसलमान सरापा एहतजाज बन गए। ये एहतजाज और मुजाहरे खुद भारत में भी हो रहे हैं, लेकिन भारतीय मीडिया और हुकूमत ने इसे भी इस्लामी दहशतगर्दी का नाम दे दिया और फ्रांस से यकजहती के इजहार में अपनी मुसलमानों से नफरत का खूब ढंडोरा पीटा। The entire world is standing with France as it faces up to Islamist terror. A number of terror attacks have taken place in the country. First, the beheading of teacher Samuel Paty in Paris, and yesterday, a murderous attack on 3 people inside a church in Nice. As India expresses its solidarity, some radical elements within the country are trying to vitiate the atmosphere, and shockingly, among them are leaders of so-called mainstream parties, from Abu Azmi of the Samajwadi Party to a Congress MLA in Bhopal who got a massive gathering to raise slogans against France. He even went on to say that he is willing to crush the face of the French president. अगर हमारे बस में होता तो हम तेरा मुंह कुचल देते हैं हम तुझे। भारतीय मुसलमानों के सिर्फ नारे तकबीर लगाने पर भी भारतीय मीडिया इसे कौमियती रंग देना नहीं भूला। And it's not just provocative speeches but Islamic chants also which were raised to whip up a communal frenzy at the rally. Listen. मारूफ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने फ्रांस की मजम्मत और मसनूआत के बायकॉट की बात की तो इसे हेट स्पीच से ताबीर किया गया। इस्लाम एंड स्पीकिंग अगेंस्ट द प्रॉफिट फॉर विच द मुस्लिम्स कंडेम्ड हिज स्पीच इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज अनकॉल्ड फॉर दैट हेड ऑफ स्टेट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम रादर देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ही इज एडिंग fuel to the fire. If someone is blaspheming or speaking against the prophet of any religion, demeaning him, making caricatures, instead of saying that this should not be done, he says this is allowed in the freedom of speech. Blaspheming is allowed. ये दरहकीकत सहाफत की वो कभी शक्ल है जो भारत ही के हिस्से में आई है और भारत ही को सजावार है। 2.25 अरब मुसलमानों को आग बगोला करके ये लोग कौन सी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? असल बात यह है कि राष्ट्रीय सेवक संघ का एजेंडा इंसानी बराबरी का कायल ही नहीं। कई भारतीय रहनुमा बरसरे आम कह चुके हैं कि मुसलमान किसी भी तरह हिंदुओं के बराबर नहीं है। इंसाफ का यही कत्लेआम हमें कश्मीर में नजर आ रहा है, जहाँ अरसे से अगरचे समाजी जिंदगी जामिद है लेकिन भारतीय फौजी छापे जारी हैं और बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को घरों से उठाया जा रहा है, उन्हें गोलियों से भोना जा रहा है, लेकिन बहरहाल ये जुल्म भी अब अपनी आखिरी करवटें ले रहा है और यकसर नाकाम है। इस जुल्म को बहरहाल नाकाम ही रहना है, क्योंकि जुल्म के मुकद्दर में मंजिल नहीं हुआ करती।